हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम आपको डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट स्टेडियम दिखाने जा रहे हैं। यह स्टेडियम सिगरा लोकेशन बनारस में पड़ता है। सिगरा स्टेडियम वाराणसी रेलवे स्टेशन से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। इस स्टेडियम का एक निक नेम दिया गया है जिसका नाम है सिगरा स्टेडियम। इस स्टेडियम में हर प्रकार के गेम खेलने को सिखाया जाता है। आपको बता दूं, इस समय गर्मी का मौसम चल रहा है और स्कूल की छुट्टियां हो चुकी हैं, तो छोटे छोटे बच्चे यहां पर स्विमिंग सीखने आते हैं। स्टेडियम में हम अपने बेटे के साथ आए हैं, तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं और आपको अंदर का पूरा नज़ारा दिखाते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, आने वाले समय में सिगरा स्टेडियम में 3 मंजिल एरिना में तरल ताल फिटनेस सेंटर के अलावा बैडमिंटन के लिए 15 कोर्ट, टेबल टेनिस के लिए 18 कोर्ट, कराटे के 2, जूडो के लिए 6 कोर्ट बनेंगे। वहीं आउटडोर में 800 मीटर का जॉगिंग ट्रैक, बास्केटबॉल, क्रिकेट, कबड्डी, फुटबॉल और 800 मीटर के सिंथेटिक ट्रैक का निर्माण होगा। स्टेडियम में पहले से ही स्विमिंग पूल है जिसे अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जाएगा। इसके बाद इसमें तैराकी की प्रतियोगिताएं की जाएंगी। स्टेडियम में बने इंडोर स्टेडियम को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बनाया जाएगा। इसमें बैडमिंटन और टेबल टेनिस के अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले कराए जाएंगे। पाथवे को सुंदर बनाने के लिए खिलाड़ियों के हॉस्टल को अंतर्राष्ट्रीय सुविधाओं में युक्त किया जाएगा। स्टेडियम परिसर में रेस्टोरेंट भी स्थापित करने की योजना है। इसमें खिलाड़ियों को खाना या नाश्ता के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। स्विमिंग पूल का वीडियो हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। इसमें कल मैंने आपको बाहर का फील्ड, बैडमिंटन कोर्ट एरिया, बास्केटबॉल कोर्ट एरिया और क्रिकेट प्लेइंग ग्राउंड और फुटबॉल प्लेइंग ग्राउंड दिखाया हूँ मैं।
तेरा सुकून मैंने तुझ में अब पाया है।